नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव जैन और स्वागत है आपका मेरे चैनल इन माई फ्रेम्स पर। आज मैं दिल्ली से सुबह 6:15 बजे निकला था, लेकिन कोहरे की वजह से आप देख रहे हैं काफ़ी कोहरा है सड़कों पे, तो मैं यहाँ बीच में रुका। आज मैं निकला हूँ दिल्ली से तकरीबन 650 किलोमीटर दूर राजस्थान के एक छोटे से अनजान और शांत गांव खीचन जाने के लिए। खीचन नाम भी आपने शायद नहीं सुना होगा। ये कहाँ है और मैं क्यों जा रहा हूँ? दोस्तों, मैं जा रहा हूँ एक ऐसी कहानी का हिस्सा बनने जो प्यार और विश्वास की एक अनूठी कहानी है। आइए देखते हैं प्यार और विश्वास की इस मिसाल को, जिसकी वजह से हर साल 5,000 किलोमीटर की दूरी तय करके मंगोलिया से कुछ मेहमान यहाँ आते हैं और इस गांव के लोग भी बड़ी बेसब्री से इनका इंतज़ार करते हैं और इनके रहने तक अपना पूरा प्यार इन पर नौछावर कर देते हैं। तो आइए खीचन चलकर हम भी इस कहानी का हिस्सा बने। इस तरह से ये भूसा ट्रैक्टर और ट्रॉली पे जा रहा है, ना तो ट्रैक्टर दिख रहा है ना ट्रॉली। बहुत ही खतरनाक तरीका है ये, और ख़ास तौर से जब इतनी धुंध हो। दोस्तों, बस अब हम खीचन पहुंचने ही वाले हैं। ये देखिए, आपको ये बोर्ड दिखाई दे रहा होगा खीचन का, तो इस तरफ अंदर खीचन गांव है। ये देखिए खीचन की गलियां, दोनों तरफ खूबसूरत हवेलियां बनी हुई। और ये खूबसूरत हवेली अगले 2 दिन मेरे रुकने की जगह होगी। और ये है वो मेहमान जो हर साल 5,000 किलोमीटर की दूरी तय करके यहाँ आते हैं। पूरा गांव इनके शोर से सराबोर हो जाता है। देखिए कैसे चहचाते हुए ये पक्षी इस गांव में पहुँच रहे हैं। इस तालाब के किनारे आकर वो अपनी प्यास बुझाते हैं। यहाँ इस तरह के 2 तालाब हैं। इन पंछियों के आने से पहले ही गांव वाले इनके स्वागत की तैयारी करके रखते हैं, यानी इनके खाने पीने का बंदोबस्त करके रखते हैं। इनके लिए ख़ास तौर से इस चुग्गा घर में दाना बिखेर दिया जाता है और आते ही ये इस चुग्गा घर में उतर कर देखिए अपनी भूख शांत कर रहे हैं। दोस्तों, इनके यहाँ आने की शुरुआत सन 1978 के आसपास हुई थी, जब 5-7 डेमोसिल क्रेन्स, जिन्हें प्यार से गांव वाले कुर्जा कह के बुलाते हैं, इस गांव में उतरी थी। गांव में एक पशु पक्षी प्रेमी जिनका नाम श्री रतनलाल मालू था, उन्होंने इनको रोज़ दाना डालना शुरू किया और इस काम में उनका साथ उनकी पत्नी ने भी दिया। उनके इस प्यार का नतीजा था कि अगले साल भी ये पंछी यहाँ आए और इनकी संख्या 15-20 हो गई। बस फिर क्या था, गांव वालों ने भी रतनलाल जी का साथ दिया और इन क्रेन्स की सब ने देखभाल की, और उनके इस प्यार और विश्वास का नतीजा आज आप देख रहे हैं कि आज इनकी संख्या हजारों में है और खीचन को इनकी वजह से वर्ल्ड मैप पर एक पहचान मिल गई है। हर साल इनके दाने का जुम्मा गांव के जैन परिवार उठाते हैं और गांव के अन्य लोग भी इसमें अपना योगदान देते हैं। ग्राम पंचायत ने इनके चुग्गा घर के लिए ज़मीन दी
जिस पर ये चुग्गा घर बनाया गया है। शाम होते ही ये पंछी वापस उन्हीं दोनों तालाबों पे चले जाते हैं और रात वहीं पर बिताते हैं। ये देखिए सारे पंछी उड़ के सूर्य अस्त होते ही ये उड़ के तालाब की तरफ जा रहे हैं। ये तालाब है जो कि ग्राम पंचायत के अधीन है और जिसकी देखभाल ग्राम पंचायत ही करती है। सुबह का सूरज निकलता हुआ और सूरज की पहली किरण के साथ ही ये खूबसूरत क्रेन्स पूरे गांव के चक्कर लगाना शुरू कर देती हैं। ये देखिए सुबह सुबह ये पूरे गांव पे मंडरा रही हैं और इनकी चहचहाट से ही गांव वालों की नींद खुलती है। तकरीबन 7:30 बजे ये चुग्गा घर में उतरना शुरू हो जाती हैं और फिर वहाँ पर ये अपना जी भर के अपना पेट भरती है। दोस्तों आइए आपको मिलवाते हैं श्री सेवाराम माली से, जिन्होंने 8th क्लास के बाद अपनी पढ़ाई छोड़ दी और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के काम में अपना पूरा जीवन लगा दिया। पिछले कई बरसों से सेवाराम जी ने इन पक्षियों के लिए पंचायत और हाई कोर्ट तक कई लड़ाइयां लड़ी, जिनमें इन पक्षियों के रास्ते में आने वाली इलेक्ट्रिसिटी लाइन को अंडरग्राउंड करवाना, चाइनीज मांझे पर बैन लगवाना, ग्राम पंचायत से इनके चुग्गा घर के लिए जमीन अलॉट करवाना, ये प्रमुख हैं। सेवाराम जी के ही प्रयासों का नतीजा है कि इन क्रेन्स के घायल होने पर इनको 2 एम्बुलेंस पावर ग्रिड कॉरपोरेशन की तरफ से दी गई, जिसमें ये घायल क्रेन्स का इलाज कराने के लिए उनको पास के शहर फलौदी और अगर चोट गंभीर है तो उन्हें जोधपुर तक ले जाते हैं। अभी हम सेवाराम जी के साथ ही उनकी छत पर खड़े हैं और सामने आपको दिखाई दे रहा होगा पीछे चुग्गा घर, जहां पर ये क्रेन्स यानी कि गुर्जे दाना खा रही हैं। सेवाराम जी ने हमें बताया कि सन 2010 से अब तक उनके पास पूरा रिकॉर्ड है कि किस दिन कितने पक्षी यहां उतरे और कब कब ये वापस गए। सेवाराम जी को उनके अथक प्रयासों के लिए बहुत सी संस्थाओं ने प्रशस्ति पत्र दिए। राजस्थान सरकार ने भी इनके प्रयासों को सराहा है और उन्हें कई सर्टिफिकेट्स भी दिए हैं। निसंदेह सेवाराम जी एक बहुत ही महान काम कर रहे हैं वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन का। इन पक्षियों को हर साल यहाँ आए ये इंश्योर करने का, इनकी देखभाल, इनकी चिकित्सा, इनका दाना, सब चीज़ का ख्याल सेवाराम जी रखते हैं। और ये एक ऐसी मिसाल है जिसमें एक इंसान बिना किसी प्रलोभन के इन पक्षियों की सेवा में लगा हुआ है, दिन रात साल दर साल लगा हुआ है।
लेकिन मुझे लगता है कि ये जिस तरह से ये सामने धोरों को हटा दिया और ये कर दिया, तो इससे फर्क पड़ेगा? नहीं, ये साइड में अलग है। पहले तो यहाँ धोरे थे, धोरे थे, लेकिन किसी के प्लॉट हैं अभी। हाँ, लेकिन धोरों के ऊपर जब भी बैठ टीम के लिए जगह ऑलरेडी सुनाया मिली हुई, तो हाईकोर्ट ने मेरे पेपर के ऊपर 1100 जमीन सुरक्षा कर लिए। सेवाराम जी, बहुत ही अच्छा लगा आपसे मिलके, और आपका बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ठीक है सेवाराम जी, बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। देखिए, लगातार करके पक्षियों के झुंड चुग्गा घर में आ रहे हैं दाना चुगने के लिए। और ये देखिए, वो दो एम्बुलेंस जो पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ने सेवाराम जी को दी हैं इन चिड़ियों की देखभाल के लिए, अगर इन्हें कोई बीमारी हो या चोट लग जाए तो उनका इलाज करवाने के लिए। आइए आपको थोड़ा सा खीचन गांव की सैर करा दूं। ये देखिए, बहुत ही शानदार और खूबसूरत हवेलियां बनी हुई। ये ज़्यादातर हवेलियां जैन समाज की हैं और ज़्यादातर हवेलियां अभी बंद हैं क्योंकि इनमें कोई रहता नहीं है। बहुत कम जैन परिवार, मेरे ख्याल से 8-10 परिवार इस गांव में रहते हैं और बाकी सब लोग व्यापार करने के लिए इस गांव से बाहर जा चुके हैं और सारी हवेलियां बंद हैं। इस गांव की आमदनी का मुख्य स्रोत खेती है और यहां पर जीरा, गेहूं, फल, सब्जियां, सभी तरह की खेती होती है। ये देखिए कितनी खूबसूरत हवेलियां बनी हुई हैं यहाँ। ये देखिए, इस गांव के लोगों का पशु पक्षियों के प्रति प्रेम का एक और नमूना। दोस्तों, आज खीचन में मेरा ये आखिरी दिन है और इसीलिए मैं सुबह सुबह यहाँ चुग्गा घर पे आ गया। कुछ देर में ये पंछी बस यहाँ उतरने वाले हैं। जाने से पहले मैंने सोचा कि एक बार इनका दीदार और कर लूँ। हालांकि कल पूरे दिन मैं इनको गांव में हर तरफ प्रेस करता रहा, फोटोग्राफी करता रहा, लेकिन लगता है जी नहीं भरा। तो बस एक बार, आखिरी बार इनको देखने के लिए मैं यहाँ फिर आ गया हूँ।
पूरा गांव इनकी आवाज़ से चहक उठता है। देखिए कैसे एक एक करके ये झुंड उतरते जा रहे हैं दाना खाने के लिए, और बहुत आराम से ये यहाँ दाना खाते हैं बिना किसी लड़ाई झगड़े के, बहुत ही शांति से। दोस्तों ये है राजस्थान के एक छोटे से अनजान गांव खीचन और उसकी प्यार और विश्वास की एक बहुत बड़ी कहानी, जो अपने आप में एक मिसाल है और हमें सिखाती है कि अगर हम चाहें तो इंसान और पशु पक्षी एक साथ प्यार से रह सकते हैं और इस धरती से वन्य जीवन को खत्म होने से बचाया जा सकता है। अगर हम चाहें तो वन्य जीवन की इस अनमोल धरोहर को अपनी आने वाली नस्लों के लिए बचा सकते हैं। दोस्तों अब वक्त हो गया है खीचन से विदा लेने का और वापस घर जाने का। अब खीचन की इन गलियों से इस बार के लिए मैं अलविदा कह रहा हूं, और ये वादा करते हुए कि भविष्य में फिर यहां आऊंगा। दोस्तों ये क्रेन्स हर साल मंगोलिया से यहां पर अक्टूबर के महीने में आना शुरू होती हैं और मार्च मिड मार्च तक यहाँ से वापस चली जाती हैं। अगर आप खीचन गांव आना चाहें तो आप बाई ट्रेन या बाई एयर जोधपुर आ सकते हैं और जोधपुर से आपको यहाँ तक बाई रोड आना पड़ेगा, और जोधपुर से इसकी दूरी तकरीबन 150 किलोमीटर है। दोस्तों अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।